चलिए। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय एसपीआर पे। मैं हूं एसपीआर और आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 19। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, पैरावैद्युत स्थिरांक का प्रभाव या पैरावैद्युतांक का प्रभाव। ये लेक्चर जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, ठीक है, और आज जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इससे इसको आज इसका हम आधा ही पाठ करेंगे, क्योंकि आज इसका फॉर्मूला हम प्रूफ कर देंगे हर तरीके से, ठीक है। और केस वन, केस टू, केस थ्री जो है हम लोग इसके अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका मतलब दो पार्ट होगा, ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट टू में इसका ऑब्जेक्टिव होगा, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। शुरू किया जाए भाई लोग, चलिए तैयार हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, पैरावैद्युत जो पदार्थ होता है ना, अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम उसको रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत विभव पर, और कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, आइए। तो सबसे पहले जो टॉपिक का जो नाम है हमारा वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, हिंदी बोलेंगे पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक बोलिए या पैरावैद्युत स्थिरांक बोलिए का प्रभाव। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे मेरे भाई, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या जानते हैं सर? पैरेलल प्लेट के बारे में जानते हैं क्या? पैरेलल प्लेट के बारे में आप लोग जानते हैं? ये हमने लिया एक पॉजिटिव प्लेट, ये हमने लिया निगेटिव प्लेट। बहुत आसान तरीका से समझाएंगे, और हर बार इससे भी जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव को पूछता है, और कौन सा ऑब्जेक्टिव है हम अभी ये बता देते हैं। C बराबर C नॉट इनटू में की, ये ऑब्जेक्टिव देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में, हर एक दो वर्ष बाद पूछा जाता है। तो आज हम यहां तक के पहुंचा देंगे, यहां तक के पहुंचने में भी हम लोगों को लगभग 50 मिनट लग ही जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि केस वन, केस टू, केस थ्री जो है, केस फोर तक जो है हम लोग अगला पार्ट में करेंगे, ठीक है, न तो डेढ़ घंटा का लेक्चर हो जाएगा। तो समझे भाई साहब, ध्यान दीजिए, क्योंकि सीखना है हम लोगों को, सीधे पढ़ना नहीं है, पढ़ना है तो सब पूरा के पूरा उतार के लाते हैं, खड़े समझाते, ठीक है। तो आइए, तो ये हमने ले लिया पॉजिटिव प्लेट, जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है मेरे भाई? पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। किसी को दिक्कत नहीं? यही ना प्लेट है, इस पर पूरा चार्ज जो हम प्लस क्यू होता था, इस पे माइनस क्यू होता था ना, यही ना होता था। उसके बाद इस पर इसका जो डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आवेश घनत्व होगा, वो क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है? इसका भी आवेश घनत्व होता है सिग्मा, लेकिन इसको माइनस सिग्मा कहते हैं, माइनस नहीं लिखते हैं, सिग्मा ही लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना? अच्छा, और इसके बीच में पहले सुनिए, पहले सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जान लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आवश्यकता ही पड़ेगी, क्योंकि हमने बोला ना कि दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में अगर हम डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ रखेंगे, पैरावैद्युतांक पदार्थ रखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र पहले की तुलना में बढ़ेगा कि कमेगा ना, पोटेंशियल यानी कि विभव पहले की तुलना में बढ़ेगा कि कमेगा, धारिता पहले की तुलना में बढ़ेगा कि कमेगा, ये देखने वाले हैं। यही प्रश्न आज क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो भाई साहब ये आए सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पढ़े थे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पढ़े थे, क्योंकि भाई ये निगेटिव कारण इस तरफ आएगा और पॉजिटिव कारण इस तरफ आएगा,
तो काट देगा एक दूसरे को, क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बीच में मान लेते हैं पॉजिटिव के वजह से इस तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई बोलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, याद था क्या, याद था क्या, नेगेटिवों के वजह से इसी तरफ होगा, ये दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं एक ही लाइन पे, ठीक है। लेकिन अब जगह कहां जो एक ही लाइन पर लिखा जाए कि अच्छा दूसरा कलम से लेकर जाइए, अपने पास है व्यवस्था। अरे भाई हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टू हो गया ये भी कितना होगा सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी निगेटिव प्लेट के कारण भी जो विद्युत क्षेत्र होगा ना वो क्या होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट वो क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल चुके हैं प्रूव कर चुके हैं ना, क्या होता था ई वन प्लस ई टू ना, तो सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट दोनों को जोड़ देंगे सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसी को कोई दिक्कत इसमें, अरे ना पढ़े थे भाई सिंगल प्लेट के कारण, अगर पॉजिटिव प्लेट है या निगेटिव प्लेट है, सिंगल प्लेट के कारण इस पर जो चार्ज है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता, नहीं होता था सिंगल प्लेट के कारण। और जब दो प्लेट के कारण बाहर तो भाई जीरो होगा लेकिन बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना बात किसी को कोई दिक्कत, ये पीछे हमने पढ़ाया है, ये पीछे हमने, आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहां पर होगा भाई लिंक कने होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट करने पढ़ाया हो, आए फिर हेने होने न करिए है ना, पैरल प्रेरक बात से रहते वैसे ही पढ़ाए हैं, ये तो यहाँ पर संधारित पढ़ाए थे और ऑब्जेक्टिव बहुत हुआ इससे जुड़ा हुआ नहीं इसी में पढ़ाए हैं। कहाँ गया वे या ना है कहाँ, इससे जुड़ा हुआ देखिए ऑब्जेक्टिव खोज रहे हैं इससे जुड़ा हुआ, रे देखिए यार इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव वगैरह अभी कराए हैं समझे, ये देखिए। तो अगर आप लोग ये सब लेक्चर को सीक्वेंस में नहीं देखते हैं तो भाई दिक्कत तो होगा ही, तो लेक्चर को सीक्वेंस में देखा कीजिए, क्या बोले ओ विकास को टाइम ही नहीं बचता, हाँ 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 अरे आप तो आप हैं ये बात समझ में। अब ये बताइए जो इस दोनों प्लेट पैरेलल प्लेट के कारण जो संधारित्र की जो धारिता होगी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगा, पहले तो क्यू सी बराबर क्यू बटा वी होता था, पढ़े कि है पढ़े नहीं पढ़े हैं भाई आए। और इसके अगर दोनों के बीच अगर डिस्टेंस डी है, ये दोनों के बीच अगर डिस्टेंस डी है तो बताइए क्या होगा कैपेसिटेंस, बोलिए बोलिए एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, ये हो गया क्या धारिता, क्या हो गया दोनों प्लेट के बीच में ये धारिता हो गया पैरेलल प्लेट के बीच की धारिता, ठीक है ऑब्जेक्टिव में आता है ना कई बार पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, क्या करेंगे दो पैरेलल प्लेट बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेंगे, उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे डायलेक्ट्रिक पदार्थ रखेंगे, देखते हैं कि क्या इफेक्ट इसका पड़ता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में और धारिता में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और कैपेसिटेंस में। कामनी कुमारी यहां ध्यान देना, चल भाई ध्यान दो इधर, एक प्लेट हमने ये लिया थोड़ा दूर दूर रखते ताकि बढ़िया लगे देखने में, चलिए दो प्लेट हमने बना लिया, इस पे हम चार्ज रख देते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं ना, एक को कर देंगे निगेटिव चार्ज, अरे
बुखार उखार का लग गया है करे चलिए तो एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते हैं सिग्मा, और इसका माइनस का सिग्मा, तो हम सिग्मा ही लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, ये बात समझिएगा। अब हाँ तो हटा देंगे कोई दिक्कत, लेकिन हम यहाँ दे दिए आप लोगों के लिए कि सवाल आप लोग उठा सकते हैं कि सर ये प्लस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस होगा। अब सुनिए इसमें हम क्या करेंगे, सुनिए इसमें हम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखते। अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी, हाँ हमारे अभिषेक भाई बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर से किधर होगी, मतलब ये वाला होगा कि ये वाला होगा, सो बताइए ये ऊपर वाला कि नीचे वाला, बताइए ऊपर वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है वो कैसी होती है, निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो गई। इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें रखते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आइए एक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसमें रख देते हैं, रख दिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखा गया, ये डायलेक्ट्रिक को बढ़ जाइए। अब ये होता क्या है सर, डायलेक्ट्रिक पदार्थ जो होता क्या है, ये डायलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है डायलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक पहले देख लेते हैं डायलेक्ट्रिक पदार्थ। सबसे पहले ये कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्टर नहीं होता, यानी कि सर ये चालक, अच्छा इधर ले देते रुक जाइए सर, डायलेक्ट्रिक पदार्थ जो हम इसमें रखेंगे, ठीक है पैरावैद्युत पदार्थ हम इसमें रखेंगे, पैरावैद्युतांक नहीं रखेंगे, पैरावैद्युत पदार्थ रखेंगे, ठीक है डायलेक्ट्रिक पदार्थ रखेंगे, मटेरियल रखेंगे। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो बाद में आएगा, वो टर्म होता है। तो ये जो डायलेक्ट्रिक जो पदार्थ होता है, डायलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, ठीक है पैरावैद्युत जो पदार्थ होता है, ठीक है सुनिए सुनिए सुनिए, ये होता क्या है, तो सबसे पहला बात ये चालक नहीं होता, चालक यानी कि कंडक्टर नहीं होता है। तो सर कंडक्टर नहीं होगा तो नॉन कंडक्टर होगा, नहीं ये नॉन कंडक्टर भी नहीं होता है, मतलब ये कुचालक भी नहीं होता है, ये नॉन कंडक्टर भी नहीं होता है। तो सर एक वो चीज जरूर होता होगा, क्या सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक, नहीं ये अर्धचालक भी नहीं होता है, ये अर्धचालक भी नहीं होता है, ये आपका सेमी कंडक्टर भी नहीं होता है, ये सेमी कंडक्टर भी नहीं होता है। इसमें से हम करंट भी पास नहीं करा सकते, इसमें से हम करंट को हम फॉलो नहीं करा सकते, फ्लो करंट को ही फॉलो, मतलब हम धारा को भी हम इसमें से मतलब जो उसको बहा नहीं सकते हैं, ठीक है चलिए धारा का बहाव भी नहीं करा सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनता है, क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र बनता है इसमें, इसमें केवल विद्युत क्षेत्र बनता है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे बनता होगा सर, चार्ज होता होगा, आइए देखते हैं। तो ये पैरेलल प्लेट में इसके इतने गुण हैं, ठीक है सॉरी पैरावैद्युत पदार्थ के इतने गुण हैं, डायलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसके, डायलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है उसके ये गुण है, न कंडक्टर है न नॉन कंडक्टर है, ना ही सेमी कंडक्टर है और ना ही उसमें से हम करंट पास करा सकते हैं। तो सर एक बात कि हमको और बता दीजिए सर, इस तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा से इस दिशा में हो गया, हम मान गए सर आपका बात, हम मानते हैं मान गए सर, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होगा, हाँ होगा, ये भी अभी तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही पैरेलल प्लेट के बीच में इसको रखेंगे
तो इसमें जो हो जाएगा इस तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव। कैसे? तो सर ये निगेटिव जो है ना प्लेट, वो निगेटिव वाला को धकेल देगा और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को धकेल देगा और निगेटिव वाला को अपने तरफ बुला लेगा, तो क्या हो जाएगा इस पे? निगेटिव चार्ज। मतलब इस तरफ निगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये बताइए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा? इसके जस्ट अपोजिट, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इस तरफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? अब देखिए, क्या सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग होगा और इसका अलग होगा। तो हम इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है हम उसको बोलते हैं ई आई। ई आई को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मानेंगे बस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। आई मतलब इंड्यूस, इंड्यूस मतलब ये उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न ई कराया है। अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिख ले है ई नॉट। ई नॉट जो बाहर जो पैरेलल प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, जो समांतर प्लेट संधारित्र के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो है हमारा ई नॉट। और जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक जो पदार्थ है, बार बार कॉन्स्टेंट बुलाता है, डाइलेक्ट्रिक जो पदार्थ है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसको ई आई बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। निखिल की हार, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चश्मा पहन ले, आगे बैठ जाए, पीछे बैठो, इफेक्ट पड़ेगा आंख पर। अब सुनिए, ये बात समझ में आया? और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बउआ एक बात और, इसको तो हम सिग्मा बोले हैं, ठीक है सर, इसका इस पर भी तो भाई जो प्लेट होगा यहां भी तो सर पे चार्ज डेंसिटी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिग्मा आई। इसको भी क्या बोलेंगे? सिग्मा आई, मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस पृष्ठीय आवेश घनत्व, उत्पन्न पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सर हम तो अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हमी ने पढ़ाए हैं, क्या पढ़े हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये पढ़े हो। तो ई जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। और सर ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा तो नहीं बताइए, तो बोलिए सिग्मा इंड्यूस बाय में एप्सिलॉन। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके बारे में सिर्फ एक बात था कि एक ससुराल कहाँ है, एक नैयर कहाँ है, ये कौन स्कूल में पढ़ता था, ये सब हो गया इसका बायोडाटा। अब हम लोग जो टॉपिक पे आते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में ये नॉन कंडक्टर भी नहीं होता, ये कंडक्टर भी नहीं होता, ये सेमी कंडक्टर भी नहीं होता, ये करेंट को भी पास नहीं होने देता अपने से होकर के। अलग की तुम कहां थी रे तीन चार दिन से नंदिनी कुमारी, कहां थी? नहीं थे, घर ही थे, तो काहे नहीं कोचिंग आ रही थी? वार वार करके क्लास में कहो तो सब सुनी, जो बकलोल ही सब काहे नहीं आती है कि रोज रोज और कोचिंग नहीं आएगी तो कैसे समझेगी की विकास रोज रोज। ये तो साफ खत्म है,
विकास के बुखार लगता है, अमन के बुखार लग जाता है, कला बुखार लगता है विकास को बता। हर एक दिन बीच करके लग जाता है बुखार दोनों के। चला देखो रे, अरे वो दूगो कोढ़िया वो विकास है वो अमन है, बड़ा एक्सेंट मारता है। एगो एक घर मोहनपुर है, घर लादी पर बाहर हटा देख लीजिए, हाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए चार दिन पर घर तबियत खराब होता है तो चलिए सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा एक बात हम इसी में आप लोगों से पूछ देते हैं कि ये बताइए आप लोग कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था क्या अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बनेगा ये दोनों प्लेट के बीच में? कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये आ गया है पैरा वैद्युत पदार्थ जो आ गया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सब्सटेंस आ गया है, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट पर प्रभाव करेगा, इसको रोकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से, कुछ ना कुछ तो रोकेगा, कितना कम करेगा वो अभी देखते हैं। आइए फटफट देखते हैं, ध्यान से देखो भाई, विकास भाई विकास फेमस हो जाएगा। आमन के ना फेमस करे क्या? अमनो फेमस मिले भैया, अच्छा बलैया पोखरी पर कथी करता है स्वरूप पर है सिगरेट पीता छीन छोड़ पानी पूरी के दुकान खोले वही जगह जगह पे बलैया स्कूल में बहुत चलेगा, सही बात है खोल ले। लेकिन बोहा छुट्टी होता हो तो पहले दुकान बंद कर दिए, कल आगे से जब फ्री में खबर पैसा देते हुए कुर भैया ना, ठीक। चलिए इस पर जो आए सरफेस चार्ज से सिग्मा है, इस पर भी सिग्मा है, इसके भी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई नॉट है। इसमें हम क्या कर देते हैं ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रख दिए, इस पर जो इंड्यूस हुआ है इधर माइनस हुआ है, और इस तरफ क्या हुआ है इसमें है, यहां पर जो सिग्मा है वो सिग्मा आई है सरफेस डेंसिटी, यहां पे सिग्मा आई है। कहिएगा सर यहां माइनस है यहां प्लस है, हम मान लेंगे ठीक है माइनस है प्लस है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है? प्लस से माइनस की ओर। इसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई आई है, क्या है? ई आई। कोई दिक्कत? और बताइए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ई नॉट का मान हमने निकाला क्या भाई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता था। ई आई का मान जो हमने निकाला क्या निकाला? सिग्मा बाई सिग्मा आई बाई सिग्मा आई बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब जो बाहर जो जो प्लेट, अभी इसको भूल जाइए कि यहां ये नहीं है, अभी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलेक्ट्रिक पदार्थ अगर नहीं रहेगा ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ये था, है ना। अब इसी में से ना कुछ कमेगा तो कितना कम गया? ई आई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो गया? ई नॉट माइनस ई आई, इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं सीधे। अब इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा वाई, बोलिए एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं भाई? आए फॉर्मूला वर्मूला लगा सकते हैं क्या? आए एप्सिलॉन नॉट लगता हूं लेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा आई, यहां आई नहीं लिखेंगे। चलो ये हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक और होता है इसका फॉर्मूला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक और इसका फॉर्मूला होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर क्या होता है तुम्हें बताइए, मैंने आ जाइए आप लोग हो, आप लोगों को दो को तीन को पिक्चर नहीं बनाना है, एक ही को पिक्चर में काम चला देना है, ठीक है। इस एक पिक्चर में यहां पर हम दो जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहा है, इधर तो बनाना ही पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा इसको, इसको रिवीजन के लिए ये बना करके ये लिखना ही पड़ेगा इसके बारे में, और उसके बाद ई बनाना पड़ेगा, और यहां जो बना रहा है वो नहीं बनाइएगा, यहां जो बना रहा है वो नहीं बना, इसी में काम चला लीजिएगा। अब सुनिए ये क्या हमने हम क्या किए इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है ये है भाई ई नॉट, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई आई है कि नहीं है, यहां भी सिग्मा है ये है, यहां भी सिग्मा है ये है ना, इसके लिए माइनस सिग्मा, यहां सिग्मा इंड्यूस है ये है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व। सर इसमें नया कहां है, वही चीज तो लिख दिया मिटा करके, नया बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है उसका कुछ मान रखेंगे, क्या रखेंगे, कुछ मान रखेंगे, और इस चीज को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, परावैद्युत वैद्युत स्थिरांक बोलिए या परावैद्युतांक बोलिए, ठीक है, जिसको निर्भर करते हैं किससे, के से, किससे, के से। अब सुनिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो परावैद्युत जो पदार्थ हमने रखा, मान लेते हैं परावैद्युतांक का जो मान है वो दो है, क्या है वो दो है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि अगर दो है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले जो था उसके तुलना में अब दो गुना कम हो जाएगा, क्या गुना कम हो जाएगा, दो गुना कम हो जाएगा। हमने क्या कहा मेरे भाई कि जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखे हैं, मान लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, जो परावैद्युतांक है वो दो है, क्या है, दो है, तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पहले जो विद्युत क्षेत्र था और अब जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कितना गुना कम हो जाएगा, दो गुना कम, मतलब नीचे दो से भाग दे देंगे, ये ना करेंगे। अगर मान लेते हैं कि के का मान यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान, परावैद्युतांक का मान अगर तीन हो जाए, जो हमने ये परावैद्युत पदार्थ रखे हैं इसका जो परावैद्युतांक हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होगा, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर तीन है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर तीन है, तो बताइए पहले की तुलना में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा, कितना गुना कम जाएगा, तीन गुना कम जाएगा। तो हमने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान लिया वो के लिया, तो पहले की तुलना में अब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना गुना कम जाएगा, के गुना कम जाएगा, यही फील है। बहुत लोग आते हैं रटा के चले जाते हैं, अपने को रटना नहीं है, कंसेप्ट को सीखना है। तो भैया अंकित ध्यान दीजिए, तुम हमारे दुकान चले दो भाई, जो ई नेट होगा अब अंकित कुमार बताएगा, पहले कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट था, अब जो कम गया कितना, के गुना कम गया, तो बता में के कर दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब तनका यहां पर इसको समराइज करते फिर आगे बढ़ते हैं। पहले जो था इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक वो क्या था, ई नॉट माइनस ई आई था ना भाई, हो एक और इसका जो फॉर्मूला होता है ई नेट का वो क्या होता है, ई नॉट बटा में के,
यहाँ पर तो कुछ ना कुछ ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम है, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक का जो मान था उतना गुना कम गया, उतना गुना कम गया। बात समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये पच रहा है भाई लोग? चलिए अब हम इसको थोड़ा पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, इसको चिरफाड़। आइए तो सर हमने जो पढ़ा वो E नॉट बराबर क्या पढ़ा? E नेट बराबर E नॉट पर लिखिए देते हैं E नेट बराबर E नॉट माइनस E I। एगो ये पढ़ा H आ एक E नेट बराबर क्या हमने पढ़ा? E नॉट बटा के। दोनों हमने फील कराया, बताने की कोई बात नहीं है, दोनों के पर हमने समय दिया और बताया है कि क्यों ऐसा हुआ फॉर्मूला। एओ को लेके चलते हैं। चलो भाई ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई आई। किसी को कोई दिक्कत यहां पर तो बताइए। सर ई नेट को हम और चीज लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं हम? ई नॉट बाई के लिखना चाहते हैं। लिख दो भैया तोरा मन बराबर। सर जो ई नॉट है ना एक हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे बाबोली? करम सिग्मा बाई हम एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहते, लिख लो तुम्हारा भी इच्छा पूरा हो। माइनस ई आई का भी हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? सिग्मा आई बटा में एप्सिलॉन नॉट, और भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। सर इसका भी हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, ये जो ई नॉट है ना एक फॉर्मूला में लिखो क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ ई सुनिए ई जो के है नीचे क्या हो जाएगा के बराबर ये। अच्छा एक चीज सुनिए भाई, ये दोनों में सम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लें, ए एक बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, ले ले क्या? तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस ये हो जाएगा सिग्मा आई। ओ यहां में सम कॉमन ले सकते हैं क्या? एक बटा एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा बटा हो जाएगा के बराबर एक बटा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आई। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा है क्या? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये से ये कैंसिल हो गया तो सिग्मा बटा में के बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा आई। हमको मान किसका निकालना है कि कितना इंड्यूस हुआ, सो इंड्यूस कितना हुआ, तो इसका मान निकालना है। तो ई एन ए माइनस में है एन ए जाकर के। अच्छा ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना भाई? हमने ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई आई रखा, फिर ई नेट का जगह पे हमने ये फॉर्मूला को यूज किया, ठीक है? अब बात को समझिएगा। और ये ई नॉट के जगह पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया, अब कहिएगा सर कहां से आ गया, पीछे बताए हैं अभी। उसके बाद ई आई के जगह पे सिग्मा आई बटा एप्सिलॉन नॉट रख दिया, ये भी हमने पीछे बताया है। उसके बाद हमने क्या किया, ई नॉट का मान फिर से रखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब बटा में के तो है ये है। उसके बाद हमने ई दोनों में से एक बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, इसमें से भी एक बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, एक बटा एप्सिलॉन नॉट से एक बटा एप्सिलॉन नॉट का हैप्पी बर्थडे हो गया, कहानी खत्म। अब सिग्मा बटा के बच गया, सिग्मा माइनस सिग्मा आई बच गया। हमको मान किसका निकालना है? सिग्मा आई का। ऑब्जेक्टिव में आएगा भाई, ई माइनस में नहीं जाकर के प्लस में सिग्मा आई बराबर। बराबर के बाद ये क्या हो जाएगा, ई माइनस में इधर जाकर के प्लस में, आ ई तो ही है इधर सिग्मा, आ इधर इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में सिग्मा बटा में के। तो सिग्मा आई बराबर हो जाएगा, सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो एक माइनस एक बटा के, यही फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। कि बहुओ क्वेश्चन क्या रहेगा कि जब हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, रे निखिल खड़ा हो जाओ थोड़ा नींद आ रहा है ना, खड़ा हो खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ, रात में चोरी कर रह गया था, चोरी चमारी करे छी, अरे एकरा घरे कमरा लगाओ रे, ये रात में जाता कहां से देखते हैं, ठीक है? हाँ तो यहाँ वाला कमरा ले आ खोल के वहां लगा देना कि देखते ही कहाँ रख जाता है। सुना है मैंने घरे सुनो। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में, ए मान
खड़ा बताओ क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें, इस सवाल में क्या क्वेश्चन पूछेगा सो बता। बैक कैमरा का चेहरा दिखा दी तू बिकी, बतो तू बतिया ले तो बतो तो न तो बताओ तो बता ना तेरे। हाँ दो पलट प्लेट लेंगे इक्के परा का मारे ना धारता उसका पूछेगा है? दो पैरेलल प्लेट लेंगे उसके बीच में जब भी हम उसके बीच में अगर डायलेक्ट्रिक पदार्थ रख देते हैं तब उस पर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा तब ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये ऑब्जेक्टिव पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसमें डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने पर जो उस पर इंड्यूस होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिस्टीय आवेश घनत्व जो उस पर इंड्यूस होगा वो कितना होगा, तो सिग्मा आई बराबर पी। क्लास चले चले तो निकल के चले जाएगा फिर चले बैठा ठीक है। सिग्मा इनटू वन माइनस वन बटा के, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो ये बात एकदम कंप्लीट हो गया सब। बढ़ जी दूर बढ़ जी तू खा रहा नींद कर रहा है दो तीन बेर से देख रहे हो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कमा कि बढ़ा, तुमको मालूम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कमे करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा कि कमा और कैपेसिटेंस की धारिता कैपेसिटर की जो धारिता है वो बढ़ा कि कमा। चलिए देखते हैं आइए तो हमारा जो हाँ अभी देखते हैं केस वन केस टू सब अगले दिन लेंगे ठीक है। अभी देखिए ना ध्यान दीजिए ना पहले यहाँ पे इस पर न्यूमेरिकल भी होगा ठीक है भाई साहब। अब हम लोग लेते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाय परावैद्युत पदार्थ के बिना आइए वो लेते हैं विथ डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ के साथ। इसे मैं कहता जब पूछ देते हैं तो दांत खिसोर देता है। हाँ मटेरियल लिखिए या सब्सटेंस लिखिए हाँ ठीक है। सब्सटेंस ठीक है वहां भी ले दीजिएगा। अब सुनिए लेते हैं हम लोग इसमें केस सुनिए पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए देखिए इसमें सिर्फ क्या ये पैरेलल प्लेट है पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लेते हैं क्या है ई नोट है क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है ना होगा भाई पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं क्या देख लेते हैं इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र ठीक है। इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक पदार्थ लेंगे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ लेंगे अब बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोले तो ई नोट बटा में की यहां के तुलना में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमा की बढ़ा सो पहले बताइए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ई नोट बन रहा था यहां पर के गुना तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ है डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है डिक्रीज हुआ। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आई है कमी आई है। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव यहां पर विद्युत अच्छा विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या लेंगे बताता है अमन और विकास दोनों को मैं मौका देना बताता बड़ा तेरी मेरी कर रहा बोल तो क्या लेंगे फॉर्मूला
हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या लेंगे फॉर्मूला यहाँ पे? वर्क स्टेशन, यहाँ वर्क करना पड़ा जो वर्क स्टेशन, कहीं वर्क दिख रहा है तुमको? यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मालूम है, तो ऐसा फॉर्मूला बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो जाए, बताओ इसमें हमको कहाँ मालूम है वर्क कहाँ करना पड़ रहा है जो वर्क लगाएंगे? वर्क अपॉन चार्ज, बूथ कैसे लगा देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क अपॉन वर्क कहाँ करना पड़ रहा है हमको इसमें? क्या लगाएंगे विक्की? हेलो जी, जी बोलिए। चलिए देखिए, ये हम जो सवाल आप लोगों से पूछते हैं तो दांत खिसोर देते हैं, रिवीजन करते हैं कभी हैं? अब बताइए एक और जी बताते हैं, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, अब बताइए अब क्या लगाएंगे, कौन कौन लगाएंगे पोटेंशियल बराबर? अरे पढ़े ना, ई और भी में संबंध, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में संबंध, ई बराबर डी बटा डी आर, डी बराबर ई डॉट डी आर, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल का लेंगे जो फॉर्मूला भी बराबर क्या लेंगे, सुनो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में है डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ई नॉट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा इस पे डी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक बिना डायलेक्ट्रिक के था, यहाँ डायलेक्ट्रिक लगा दिए देखते हैं, तो बी बराबर यहाँ भी तो क्या होगा भाई, पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एफ आई एल डी इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डिस्टेंस, गुने डिस्टेंस हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र गुने में दूरी, न पढ़े थे भाई डीवी बराबर माइनस का डीवी बराबर माइनस का ई डॉट डी आर पढ़े थे, और ई बराबर माइनस का डीवी बटा डी आर, हर बार अब यदि पूछा था ताव दे के बोले थे कि हर बार अब यदि पूछा था सवाल ऐसे नहीं होते, यहाँ और वैल्यू लेंगे तो माइनस करा देंगे, हमको सिर्फ मान निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे E नॉट बाई के, डिस्टेंस कितना है D, डिस्टेंस कितना है D। अच्छा एक बात और सुनिए कि V बराबर होने गया भाई, V बराबर क्या हो गया देखिए देखिए E नॉट इंटू D। अच्छा E नॉट इंटू D, एक और चीज हम ऐसा करें, यहां पर जो पोटेंशियल होगा इसको हम क्या मान लें, V नॉट मान लें, भी नॉट मान लेते, किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि तो यहां पर अगर भी माने हैं तो यहां भी नॉट मान लेते हैं, आना तो यही है पर जैसे ई नॉट था इसको भी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब सुनिए ई नॉट इंटू डी, इसके जवाब पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, बात ई नॉट इंटू डी के जगह पे भी नॉट क्या लिख सकते हैं, भी नॉट, भी नॉट बाई के, मतलब भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, के गुना कम जा रहा है, के गुना कम जा रहा है। एक और बात बता बचा जिसका नाम है धारिता यानी कैपेसिटेंस, क्या नाम है कैपेसिटेंस, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं और इसको इसी में निकाल देते हैं क्योंकि तो बाहर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यही कर देते हैं। तो आइए भाई हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं धारिता, धारिता यहां क्या हो जाएगा सी नॉट, सी बराबर क्या होता है क्यू बटा में भी, क्यू बटा में भी। अच्छा भी का मान मालूम है ना क्या, यहां पर Q बटा में क्या हो जाएगा E नॉट इंटू में D, यहां भी कोई कांस्टेंट K नहीं आया,
कि नहीं यहाँ मतलब ना कमरा नहीं कमरा है कि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर सी निकालते हैं, सी बराबर क्या होता है क्यू बटा में भी, क्यू बटा में भी। बउआ ये क्यू को तो हम क्यू रखेंगे, लेकिन ये सुनो 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 भी के जगह पे क्या रख देंगे बोले, भी के जगह पे भी नॉट बटा के रख सकते हैं क्या, भी के जगह पे भी नॉट बटा में के, तो के हम ऊपर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया विकास। देखो सी बराबर यहां तक तो पहुंच गया होगा कि सर सी यहां पर ई नॉट था तो भी नॉट भी हुआ, सी नॉट भी हुआ। फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटा भी, क्योंकि क्यू हो गया भी के जगह पे ई नॉट इंटू डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो पहुंच गया होगा अभी तक एकदम क्लियर। सर सी बराबर क्या होगा क्यू बटा भी, तो सर यहाँ जो सी बराबर ये क्यू के जगह पे तो हम क्यू रख देंगे सर, लेकिन जो ये भी है ना सर, इस भी के जगह पे हम रखना चाहते हैं ये भी का मान जो है वो क्या है भी नॉट बटा के, तो भी नॉट बटा में के, तो के ऊपर चल जाएगा क्या, ये समझ में आया। सर एगो बात और हमारा पच रहा यहाँ दिख रहा है, मतलब दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, ये जो सर के है ना सर, ये जो सर ये के जो है ये गुना में आ रहा है, ये के जो है वो गुना में आ रहा है सर, तो सर इसका मतलब क्या सर, जो सी का मान जो है वो क्यू बटा भी नॉट इंटू में सी है, सॉरी के है, तो जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस यानी जो कैपेसिटर की जो धारिता होगी वो बढ़ेगी डायलेक्ट्रिक पदार्थ रखने पर बढ़ेगी। अच्छा रुकिए, यहां जो सी बराबर क्यू बटा भी ली, तो यहां तो भी नॉट लेना चाहिए, कहना चाहिए भी नॉट, देखिए तो क्यू बटा भी नॉट क्या है सी नॉट, सी नॉट बराबर क्यू बटा भी नॉट, यहाँ क्यू बटा भी नॉट की जगह पे हम क्या ले सकते हैं सी बराबर सी नॉट इंटू के, तो जो कैपेसिटेंस के जो मान होगा उसमें के गुना बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ेगा, पहले क्या था सी नॉट था, पहले जो था यहाँ पर डायलेक्ट्रिक पदार्थ नहीं रख लेते तो सी नॉट था, लेकिन जैसे डायलेक्ट्रिक पदार्थ कर दिया अब सी नॉट गुना के हो गया, मतलब के गुना बढ़ गया धारिता, जब नया धारिता है सी वो अब के गुना बढ़ गया, पहले की तुलना में के गुना बढ़ गया, पहले पोटेंशियल क्या था वी नॉट था, अब पोटेंशियल वी नॉट बटा के मतलब कम गया के गुना, के का मान अगर दो होगा के का मान तीन होगा के का मान चार होगा कमते जाएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ई नॉट था, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट बटा के मतलब ई कम गया, ई फॉर्मूला नहीं है भाई ई इसमें नहीं है, ये हमने बताया था अरिपति इसके लिए, ये बात समझ में आया क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहां पर बच्चा कंफ्यूजन हो रहा है, सुनो एक बार और आ जाइए, एक बार और आ जाइए, देखिए पहले सुनिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था तो पोटेंशियल क्या होगा वी नॉट, पोटेंशियल क्या होगा वी नॉट, पोटेंशियल क्या होता है क्यू बटा में सी, सी बटा वी बराबर क्यू बटा सी, भी बराबर क्यू बटा क्यू बटा सी, कोई दिक्कत यही ना है भी बराबर भी नॉट बराबर क्यू बटा सी, अरे सी बराबर क्या होता है सी बराबर क्यू बटा भी होता है कि नहीं होता है, तो भी बराबर क्यू बटा सी, कोई दिक्कत, तो यहाँ सी क्या हो जाएगा सी नॉट हो जाएगा, अरे सी का मान रख सकते हैं यहाँ पे, सी का मान रख सकते हैं क्या, भी बटा में सुनिए सुनिए भी बटा में क्या होता है, अरे ई फॉर्मूला रखना है ना इसमें, इसमें भी बराबर क्या रखना है, रुको रुको भी क्या पोटेंशियल, भी बराबर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में डिस्टेंस, क्या है गुना में डिस्टेंस, तो भी नहीं है भी नॉट है, क्या है भी नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट, डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी, तो E नॉट इंटू डी, भी नॉट बराबर E नॉट इंटू में डी, यहां पर हमने कैपेसिटर लिया, क्या लिया
तो यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, पोटेंशियल जब वी नॉट, तो कैपेसिटर सी नॉट। सी नॉट बराबर क्या होता है, क्यू बटा में वी, तो वी नॉट, क्यू बटा में वी है तो वी नॉट। अब इतना ही पर छोड़ दीजिए, चाहे मान रख दीजिए, इसमें रख दे वी नॉट का मान, क्यू बटा में वी नॉट का मान ई नॉट इंटू में डी। तब इसे हमने क्या किया, यहाँ पे जो C का मान होता है वो क्या होता है मेरे भाई, बोलिए, Q बटा V, Q के Q रखा, ये V का जो मान है वो यहाँ से हमने ले लिया V नॉट बटा K, V का मान V नॉट बटा K, तो V के जगह पे E, V के जगह पे V नॉट बटा K, नीचे बटा में K था, हम उसने हमने ऊपर K को भेज दिया, K को क्या किया ऊपर भेज दिया। अब जो ये Q बटा जो V नॉट है, ये Q बटा V नॉट किसका मान है, C का मान है, तो ये Q बटा V नॉट के जगह पे हमने C नॉट रख दिया। तो अब जो है, जो पहले जो कैपेसिटर C नॉट था, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस C नॉट था, अब जो नया आया वो K गुना बढ़ जाएगा। अब जो है K गुना, पहले की तुलना में K गुना, पहले वाला में हम K गुना कर देंगे, अब बढ़ रहा है ना, तो हमको तो यही ना चाहिए कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना बढ़िया, जितना ज्यादा उतना बेनिफिट होगा, ठीक है, उतना ही ना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, उतना ही ना चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा। हमको तो यही ना चाहिए, धारिता का मान थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। अब इसी में है केस वन, केस टू, केस थ्री, ठीक है, हाँ, तो वो हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, आज बताते तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए हम ले लें। लेकिन आज वाला क्लास समझ में आया कि नहीं आया, से बताइए, आ गया समझ में, तो चलिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद, ठीक है, इतना देर तक लेक्चर में बने रहने के लिए। एक बार क्या कीजिए, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है एक बार, उसका एक ही उपाय है कि आपने क्लास में सही से कंसंट्रेट नहीं किया है, तो आपने आप दोबारा देखिए, 100% समझ में आ जाएगा, एकदम मोच पे ताव देके गारंटी है कि 100% समझ में आए। इतना स्लो बताने के बाद और इतना एक एक टर्म को समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आया, मतलब आपने क्लास को सही से नहीं देखा, या आप पीछे वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है, तो आज शांत रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।